किसी दूर जंगल में टूनी चिड़िया रहा करती थी। ने कई सालों बाद एक अंडा दिया था, पर दुर्भाग्यवश जंगल में आए तेज आंधी तूफान में वह अंडा गिर के टूट गया। बिचारी टूनी चिड़िया इस सदमे से निकल ही नहीं पा रही थी। एक दिन टूनी चिड़िया नदी पे पानी पीने गई तो उसे वहां एक अंडा पड़ा मिला। वह मन में सोचती है, जब तक इस अंडे की माता पिता नहीं आ जाते तब तक मैं इस अंडे की यहीं बैठ के सुरक्षा करूंगी। पर शाम हो जाती है, उस अंडे के माता पिता तो आते ही नहीं। ये अंडा जंगल में आए तूफान की वजह से गिर पड़ा था। वह अंडा तो टूटा ही नहीं था। टूनी चिड़िया उस अंडे को अपने घोंसले में ले आती है। उस अंडे की बहुत अच्छे से देखभाल करती। अब तो उसको जीने की नई वजह मिल गई थी। कुछ समय बाद उस अंडे में से एक कोयल का बच्चा निकलता है, क्योंकि वह अंडा एक कोयल का था। टूनी चिड़िया तो उस बच्चे को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह ही प्यार करती थी, और वह बच्चा टूनी को भी अपनी माँ की तरह ही प्यार करता था। पास में ही भूरी कौवी ये सब देख रही होती है। ओहो, ये बात है, देखो जरा कितनी भोली बनी फिरती है टूनी की बच्ची, और देखो इसके कारनामे। बड़ी भोली बनती फिरती है, और देखो कोयल का अंडा चुरा लाई। अभी जाके बताती हूँ कोयल को कि तेरा अंडा चुरा के उसके बच्चे को पाल रही है। ऐसे भूरी कौवी कोयल के पास जाती है, सारी बात कोयल को बता देती है। कोयल सीधा टूनी चिड़िया के पास आती है। देखो ये टूनी तो पक्की चोर है। देखो कोयल, तुम्हारा ही अंडा इसने चुराया है। मैं यही तो सोचूं इसके अंडे में से बच्चा क्यों नहीं निकला। पता चला तो ये तुम्हारा बच्चा लिए बैठी है। ला कि हमसे क्यों छुपा रही थी, इसकी सच्चाई खुल चुकी है। हाँ ये सच है, पर मैं सबको इसलिए नहीं बता रही थी कहीं कोई मेरा बच्चा छीन न ले। पर भूरी बहन, ये बात बिल्कुल झूठ है कि मैंने बच्चा चुराया है। ये अंडा मुझे नदी के किनारे मिला था। जिस दिन तूफान आया था उसके अगले दिन मैं नदी पे पानी पीने गई थी, तब मुझे ये अंडा वहां मिला था। कोयल बहन, आप मुझ पे विश्वास कीजिए। मैं ये बात कैसे मानूं? तुम अगर सच्ची होती तो तुम ये बात सबको बताती। टूनी जंगल में ये पता लगाने की कोशिश करती कि इसकी असल माँ कौन सी है, पर तुमने ऐसा जरूरी नहीं समझा टूनी। और टूनी, तुमने एक बार भी ना सोचा कि इसकी माँ पे क्या गुजर रही होगी। कोयल बहन, मेरी मजबूरी को समझे, मैं अपनी ममता से मजबूर थी। मैं अब इस बच्चे के बगैर नहीं रह सकती, आप मेरी बात माने। इस अंडे में से निकलने के लिए मैंने पल पल इंतजार किया है। कोयल बहन, आप इस बात को समझे। मम्मा मम्मा, ये पक्षी आपसे क्यों झगड़ा कर रहे हैं? इनसे कहो यहाँ से जाएं। मेरी बच्ची, ये आपको मुझसे जुदा करना चाहते हैं। ये बूरी तो मुझे कभी खुश देख ही नहीं सकती। कोयल बहन, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप यहाँ से जाएं। अच्छा जी, ऐसे कैसे चले जाए? कोयल अपना बच्चा लेके जाएगी। कोयल, तुम अपना बच्चा लो यहाँ से और चलो, मैं देखती हूँ कैसे रोकती है। अगर नहीं मानेगी तो मैं और पक्षियों को इकट्ठा कर लूंगी। ऐसी कोयल उस बच्चे को उठा लेती है। आंटी मुझे छोड़े, प्लीज मुझे छोड़े, मैं अपनी मम्मा के बगैर नहीं रह सकता। आप मुझे कहाँ लेके जा रही हैं? मैं अपनी मम्मा के पास ही रहूंगा। मेरी बच्ची, मैं ही हूँ तुम्हारी मम्मा। ये तो चोर है चोर, चलो अब। ऐसे कोयल बच्चे को उठा के वहां से चली जाती है। कोयल बहन, आप क्यों ले गई मेरे बच्चे को? मैं अपने बच्चे के बगैर मर जाऊंगी। बच्चा मेरा है और ये बच्चा भी मेरे बगैर नहीं रह पाएगा।
ऐसी टूनी चिड़िया बहुत रोई जा रही थी। ऐसी रात गुजर जाती है, सुबह टूनी तो उठी नहीं रही थी क्योंकि वह बेहोश हो चुकी थी। कोयल उस बच्चे को फल देती है। लो बच्चे फल खाओ, ये फल नरम है, खा लो। मैं कुछ नहीं खाऊंगा आंटी, आप गंदी हो। आप मेरी मम्मा नहीं हो, आप मेरी मम्मा से मुझे छीन के लाई हो। मैं आपका दिया हुआ कुछ नहीं खाऊंगा। कोयल बहुत समझाती है उस बच्चे को, पर वह बच्चा ना ही कुछ खा रहा था ना ही पी रहा था। मेरी बच्ची, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, इस बात को तुम समझो। कुछ समय पहले एक तूफान आया था, जब मेरा अंडा उस तूफान में बह गया था। मैंने उस अंडे को बहुत खोजा पर मुझे नहीं मिला। उस अंडे में से तुम ही थे मेरे बच्चे। मेरी बात का तुम यकीन करो, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। जब वह चिड़िया तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती तो सोचो मैं कैसे रह सकती हूँ मेरे बच्चे। जब पहली बार मैंने अपनी मम्मा को देखा था, वो प्यार आपकी आंखों में मुझे नहीं दिख रहा आंटी। तुम न ही मेरी बात को सुनना चाह रहे, न समझना चाह रहे और न ही इस बात को सच मान रहे हो। तुम्हें मेरी आंखों में प्यार दिखाई दे नहीं रहा है। लो मान लेता हूँ कि मैं उस नदी में आपका अंडा ही गिरा था और वो अंडे में से मैं ही था, पर फिर भी मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। मुझे अपनी माँ के पास जाना है। मुझे मेरी मम्मा के पास छोड़ आए, मैं अपनी मम्मा के बगैर मर जाऊंगा। मेरी मम्मा भी मेरे बगैर जी नहीं पाएगी। ये सब सुनकर कोयल बहुत खामोश हो जाती है। अरे डको, तुम्हें पता है जंगल में क्या चल रहा है? क्या हो गया? मुझे तो कुछ नहीं पता, बारे में बता रही हो तुम। अरे अरे, टूनी चिड़िया का जब अंडा टूट गया था तो वह कोयल का अंडा चुरा लाई। एक कोयल का बच्चा निकला। जब मैंने ये बात कोयल को बताई तो कोयल अपने बच्चे को छीन लाई। वह तूफान और बारिश आई थी जब मेरा अंडा भी टूट गया था, लेकिन टूनी चिड़िया तो बता रही थी उसका अंडा सुरक्षित है। अरे मैं कौन सा तुमसे झूठ बोल रही हूँ, अगर तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है तो जाके पूछ लो टूनी से। ऐसे डग्गू कबूतर टूनी के पास जाता है। टूनी टूनी, जो भूरी कौपी बता रही है वो क्या सच है? क्या तुमने कोयल का अंडा चुराया? डग्गू कबूतर क्या जानता था कि टूनी चिड़िया अंदर से बिल्कुल टूट चुकी है, उसके अंदर सिर्फ जान बची है। वह कुछ नहीं बोल पा रही थी, वह तो अंदर ही अंदर घुट रही थी। टूनी, तुम्हारी खामोशी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मुझे अपने आप पे शर्म आ रही है कि मैंने तुमसे दोस्ती की। इसका मतलब भूरी कवि जो बता रही थी वह सब सच था, तुम चोर निकली, दूसरे का अंडा चुराती हो। ऐसा कहके टग्गू कबूतर भी वहां से चला जाता है। टूनी चिड़िया तो बहुत जोर से रोए जा रही थी। जिंदगी भी कैसी कैसी परीक्षा ले रही है मेरे से, तुम सब क्या जानो मेरे दर्द को। कबूतर को मिट्टू तोता मिलता है और वह उस सारी बात उसे बता देता है। मैं विश्वास नहीं करता कि टूनी ऐसे कर सकती है। हाँ हाँ, मैं भी ऐसा नहीं मान रहा था, लेकिन ये सच है, उसकी खामोशी ने सब कुछ बता दिया। अगर ऐसा ना होता तो कोयल उसका बच्चा वहां से क्यों लेके जाती? देखो डको, बात कुछ भी हो लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं मान सकता कि टूनी ऐसा कर सकती है। अरे कोयल, ये बच्चा तो बहुत तप रहा है, इसे बहुत तेज बुखार है। मैं क्या बताऊं, ये ना मेरे हाथ से कुछ खा रहा है ना पी रहा है, ये मुझे अपनी माँ मानने को तैयार ही नहीं है। मैं बताओ क्या करूं? छोटे बच्चे अपनी जिद छोड़ दो, यही तुम्हारी मम्मा है। अच्छा तुम ही बताओ बच्चे, तुम्हारी शक्ल इस मम्मा से मिल रही है या उस मम्मा से? तुम सच सच बताओ, फिर मैं तुम्हें उस मम्मा के पास छोड़ाऊंगी। हाँ, मेरी शक्ल इन आंटी से मिल रही है, बस बता दिया, अब मुझे मेरी मम्मा के पास छोड़ के आओ। जब बच्चे आपने ये बता दिया कि आपकी शक्ल इन आंटी से मिलती है तो आप इन्हीं के बच्चे हुए ना, तो आप उनके पास क्यों जाना चाहते हो? आप सब छोटे हो, छोटे हैं आप सब, मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है। मिट्ठू तोता डग्गू कबूतर से सारी बात सुनने के बाद टूनी के पास जाता है। टूनी टूनी, मैं तुमसे मिलने आया हूँ, आओ क्या हुआ है?
टूनी में तो इतनी हिम्मत ना थी वह कुछ बताए। टूनी तुम चिंता ना करो, मुझे सब कुछ पता चल चुका है। टबको ने सब कुछ बता दिया है। अगर तुमने वो बच्चा लिया भी है तो भी तुम चिंता मत करो। तुम्हारा हाल क्या हो रहा है तुम देख रही हो? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? मिट्टू जब उसे हाथ लगा के देखता है। अरे टूनी तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, ये क्या हालत बना रखी है टूनी तुमने? मेरा बच्चा मुझे लौटा दो, मेरा बच्चा मेरे बगैर नहीं जह पाएगा। टूनी ऐसी हिम्मत ना हारो, अगर तुम्हारी किस्मत में वो बच्चा है तो तुम्हें जरूर मिलेगा। मैं जाता हूँ कोयल से बात करने, तुम हिम्मत रखना। देखो कोयल, कुछ गलत फहमी हो रही है तुम्हें। पूरी जिंदगी मैंने टूनी को कभी गलत काम करते हुए नहीं देखा, उसने हमेशा दूसरों की मदद की है। अंकल अंकल, आप मेरी मम्मा को जानते हो, प्लीज अंकल आप मेरी मम्मा के पास मुझे ले चलें। टूनी ने कितना इंतजार किया, पल पल इंतजार किया इस अंडे में से बाहर निकलने का इस बच्चे का। तुम खुद ही सोचो, तुम उस टूनी के बारे में ना सोचो, इस बच्चे के बारे में ही सोचो। कोयल कैसे तड़प तड़प के रो रहा है। आप सही कह रहे हैं, जो तड़प मैंने उस चिड़िया की आंखों में देखी वही तड़प मैं अपने बच्चे की आंख में देख रही हूँ। फिर मिट्ठू तोता और कोयल उस बच्चे को टूनी के पास ले आते हैं। टूनी अपने बच्चे को देख के बहुत खुश होती है और अपने सब दुख दर्द भूल जाती है और अपने बच्चे को गले लगा लेती है। कहानी से हमें यही सीख मिलती है, अगर रिश्तों में अपनापन प्यार ना हो तो खून के रिश्ते भी कमजोर हो जाते हैं, और अगर प्यार हो तो वह रिश्ते खून से भी ज्यादा मजबूत बन जाते हैं।